प्याज के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए जहां सरकार द्वारा महाराष्ट्र के वाशी स्थित आलू प्याज की मंडी में नाफेड का प्याज भेजने का सिलसिला जारी है, वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कुछ व्यापारियों ने मुनाफा कमाने के इरादे से ईरान से प्याज मंगाया था। अब कुछ व्यापारियों ने तुर्की से प्याज का आयात किया है। तुर्की से 25 टन प्याज से भरा एक कंटेनर वाशी की मंडी में पहुंचा है, जिसमें 20 किलो प्याज से भरी 1500 बोरी प्याज की बिक्री शुरू की गई है। शुरुआती दौर में तुर्की के प्याज को थोक में 15 से 21 रुपए किलो का दाम मिल रहा है। गौरतलब है कि एक महीने पहले वाशी स्थित आलू प्याज की मंडी में प्याज का दाम 35 रुपए किलो के पार हो गया था, जिसे देखते हुए व्यापारियों द्वारा थोक में प्याज के दाम 40 रुपए किलो के पार जाने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई में प्याज का थोक में कारोबार करने वाले कुछ व्यापारियों ने मुनाफा कमाने के इरादे से ईरान से 480 टन प्याज का आयात किया था, जिसे थोक में 20 से 30 रुपए किलो का दाम मिला। इसी को देखते हुए कुछ व्यापारियों ने अब तुर्की से प्याज का आयात किया है। विगत दो हफ्ते से वाशी स्थित आलू प्याज की मंडी में विदेशी प्याज के साथ साथ देशी प्याज की आवक भी बढ़ गई है, लेकिन थोक में प्याज खरीदने वाले ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं। इसके चलते थोक में देशी और विदेशी प्याज के दाम में लगातार गिरावट आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। इसके चलते थोक में प्याज का कारोबार करने वाले व्यापारियों व विदेश से प्याज का आयात करने वाले व्यापारी बेहद परेशान है। वहीं APMC की आलू प्याज की मंडी में थोक में कारोबार कर रहे एक कारोबारी के अनुसार, मंडी में सबसे हल्के दर्जे का देशी प्याज 3 रुपए किलो बेचा गया, जबकि ईरान से आया हल्के दर्जे के प्याज को 5 रुपए किलो का दाम मिला। थोक में पुरानी देशी प्याज को जहां अधिकतम 24 रुपए किलो का दाम मिला, वहीं ईरान की प्याज को 20 रुपए अधिकतम दाम मिला है। वहीं नाफेड की सरकारी प्याज को थोक में 10 से 15 रुपए किलो में बेचा गया। पुराने प्याज के साथ मंडी में नया प्याज भी आ रहा है, जिसे थोक में 3 रुपए से 26 रुपए किलो तक का दाम मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।